दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए एक जरूरी खबर है। इस साल सितंबर तक चार दिन ऐसे होंगे जिसमें उन्हें शराब नहीं मिल सकेगी, क्योंकि इन चार दिनों के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ड्राई डे घोषित किया है। कौन कौन से वो दिन हैं इसकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस साल जुलाई से सितंबर 2023 की अवधि के लिए चार ड्राई डे घोषित किए हैं। बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी विभाग से ड्राई डे को लेकर आए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। जुलाई से सितंबर महीने के दौरान मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी और मिलाद उन नबी और ईद ए मिलाद का त्यौहार पड़ रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से घोषित ड्राई डे के अनुसार इन त्योहारों के दिन दिल्ली में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 की अवधि के लिए ड्राई डे की सूची तैयार कर दी है। इस सूची के अनुसार 29 जुलाई को मुहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी और 28 सितंबर को मिलाद उन नबी और ईद ए मिलाद का त्यौहार है। सरकार ने इन त्योहारों को ड्राई डे के रूप में शामिल किया है। दिल्ली सरकार हर 3 माह में ड्राई डे की लिस्ट जारी करती है, इसी को लेकर ये सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने दिल्ली में इन चार दिनों पर शराब की दुकानें बंद रखने संबंधी प्रपोजल दिया था, जिस पर केजरीवाल सरकार ने मुहर लगाई है। वैसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहले से ही शराब की दुकानें बंद रहती हैं, तो इसे लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।